जिले रीठी थाना प्रभारी सतीश तिवारी के प्रभार संभालते ही विगत कुछ दिनों से लंबित गुमशुदा प्रकरणों का निराकरण करने में अपनी टीम के साथ जुट गए। विशेष रूप से महिला गुम इंसान के प्रकरणों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश निराकरण के लिए गुम इंसान गुमशुदा चंद्रकलित कुर्मी पति सुग्राम कुर्मी उम्र 40 वर्ष ग्राम खोरी थाना रीठी, गुम इंसान सुभद्रा बाई पिता ज्वाला प्रसाद उम्र 19 साल निवासी ग्राम मडयन पटोहा थाना रीठी, गुम इंसान पूजा वंशकार पिता प्रीतम वंशकार उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सिमरा थाना रीठी, गुम इंसान संगीता बाई पति अनिल चौधरी उम्र 25 साल निवासी ग्राम देवगांव थाना रीठी, जिला कटनी। विगत कई वर्षों से इनका कोई पता नहीं चल रहा था, जिनकी एक दशक से लंबित गुमशुदा के प्रकरणों पर संवेदनशीलता पूर्वक तलाश जारी की गई, जिन्हें दस्तयाबी उपरांत परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। दस्तयाबी हेतु टीम के उत्साह वर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक अवस्थी द्वारा थाना प्रभारी रीठी सतीश तिवारी सौनी श्याम नारायण सिंह सौनी बाल गोविंद प्रजापति कार्यप्रभार 228 योगेंद्र सिंह राजपूत को अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। अधिकतर प्रकरण महिलाओं से संबंधित थे। जब इनमें हमने पतासाजी प्रारंभ किया तो इसमें लगभग 6 प्रकरण ऐसे पाए गए जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय से लापता थी, जिसमें वर्ष 2010, 2011, 2013, 2015, 2019 और 2021 की 6 महिलाओं की पत्रसाजी अपने विशेष रूप से प्रारंभ की, जिनको पन्ना जिला श्रीनबाद सिरौली ढीमरखेड़ा एवं अन्य स्थानों से उक्त महिलाओं की अपने पत्रसाजी की है। इनमें कुछ महिलाएं विवाहित थीं, कुछ अविवाहित थीं, जिनको हमारी टीम ने 2 दिनों के अंदर दस्तयाब किया और इनकी दस्तयाबी के उपरांत इनके परिजनों को सकुशल सपोर्ट कर दिया गया। लगभग अभी कितनी महिलाएं हैं? 6 महिलाओं की दस्तयाबी हम लोगों ने 2 दिन में की है। अभी और ये अभियान चलता रहेगा और पतासाजी इसमें जारी रहेगी। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट।